तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो ईयरबड्स है पोको पॉड्स, उनके कलर कॉम्बिनेशन के साथ हमने यहाँ पे कपड़े भी पहन लिए हैं, लेकिन इसका आउटपुट हमारे साथ मैच करता है कि नहीं वो हम चेक करते हैं इस वीडियो में। ईयर कप्स लगा देंगे बाद भी आप बोल सकते हैं, आपको बाहर की एक्टिविटीज पता चलेंगी बैकग्राउंड में क्या हो रही है। अरे भाई साहब कुछ तो शर्म करो 40% फोकस है बस। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के? मेरे हाल यहाँ पे ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने परचेस किया हुआ है रिसेंटली लॉन्च पोको पॉड्स ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को। 1200 रुपये के आसपास हमको ये पड़े, फ्लिपकार्ट से परचेज किया। आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ चुके हैं इसको रिव्यू करना चाहिए, और इसको टेस्ट करने के बाद, रिव्यू करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ, अभी हमने रिसेंटली ही रेडमी बड्स 4 एक्टिव ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को रिव्यू किया था, जो कि ज़्यादा खास नहीं थे मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली आपको जो फीचर्स हैं, आउटपुट है, बिल्ड क्वालिटी ऑलमोस्ट आपको सेम मिलने वाली है यहाँ पे। मैं फिर भी तसल्ली के लिए सारे आपको टेस्टिंग दिखाऊंगा इस वीडियो में, एक एक डिटेलिंग चेक करेंगे ताकि एंड तक पहुंचते पहुंचते सब आप देख लें, फिर डिसाइड करें आराम से कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो करते हैं शुरुआत इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर आपको पोको पॉड्स ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का ऐसा आपको डिसेंट सा बॉक्स मिलने वाला है ब्लैक येलो कॉम्बिनेशन के साथ। साइड में काफी फीचर्स मेंशन किए गए, इसके हम डिटेलिंग चेक करेंगे वीडियो में आगे। इसको हम करेंगे क्विकली अनबॉक्स। सबसे पहले आपको मिलने वाला है यहाँ पे एक यूजर मैनुअल वारंटी कार्ड, इसमें आपको मिल जाएगा। इसको आप चेकआउट करके सारे के सारे डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में। एक्स्ट्रा आपको ईयर टिप्स मिलने वाले, अपने कानों के साइज के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे को जो चार्जिंग केबल है टाइप सी की मिसिंग मिली, यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलने वाली। यहाँ पे थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग की गई है ब्रांड की तरफ से। और अगर हम मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा केस मिलने वाला है ओवल शेप का, पूरा आपको मैट फिनिश का केस मिल जाएगा। पोको की ब्रांडिंग फ्रंट में लगी हुई मिल जाएगी। नीचे आपको एक टाइप सी का पोर्ट मिलेगा, एक बैटरी इंडिकेटर लाइट मिलने वाली है। साइड में आपको ऐसे ग्लॉसेस की स्ट्रिप मिलने वाली है, एंड जो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको अच्छी मिल जाएगी, उसको लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं गई। बिल्ड को लेके पर्टिकुलरली कोई इशू नहीं लगा, एंड कॉम्पैक्ट केस है, आराम से कहीं भी कैरी करते हैं, पॉकेट में कैरी करते हैं, पोर्टेबल तरीके से कैरी कर सकते हैं, पोर्टेबिलिटी को लेके दिक्कत नहीं आने वाली है। और केस आप ओपन करेंगे दोनों ही बड्स यहाँ पे प्रॉपरली पैक्ड है, और इसमें आपको मिलने वाले हैं प्रॉपर मैग्नेट्स, ईयरबड्स गिरते नहीं है केस के अंदर से। और जो लॉक दिया गया है केस का, बिल्कुल आपको प्रॉमिसिंग लॉक मिल जाएगा, ऑटोमेटिक बंद नहीं होता है, इसको आपको ऐसे मैनुअली बंद करना पड़ेगा। लेकिन जो बिल्ट है आप ऑलमोस्ट देख सकते हैं, जो Redmi Buds 4 Active का जो लुक एंड फील है, जो मैट फिनिश का केस दिया गया है, ग्लॉसिनेस दी गई है, ऑलमोस्ट आपको सेम लुक एंड फील का केस मिलने वाला है। और बड्स आपको मिलने वाले हैं स्टैम शेप के, ऐसा आपको कलर कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, एक्जैक्टली सेम लुक एंड फील आप बोल सकते हैं जो Redmi Active 4 बड्स के जो ईयरबड्स हैं, सेम आपको लुक एंड फील के ईयरबड्स मिलने वाले हैं। लेफ्ट राइट भी साफ साफ मेंशनड है, पूरे आपको मैट फिनिश के बड्स मिल जाएंगे। पैकिंग की बात करेंगे, प्रॉपर ईयर कप्स लगाएंगे कानों में, पैकिंग तो प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आपको बाहर की एक्टिविटीज भी बता लेंगे साफ साफ बैकग्राउंड में क्या हो रही है। पूरा कानों को प्रॉपर तरीके से पैक नहीं करते हैं, लेकिन हाँ अगर आप वर्कआउट्स भी करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, प्रॉपर ईयर कप्स लगाएंगे, कानों से गिरते तो नहीं है, उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, सिक्योर तो आपको फिट मिल जाएगा। और इसमें आपको इंस्टेंट वीक एंड पे टेक्नोलॉजी के साथ आपको गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट दिया गया है। जैसे आप केस को ओपन करेंगे पेयरिंग मोड में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको पॉपअप दिखा देगा आपके फोन में गूगल फास्ट पेयरिंग का। सिंपल स्टेप से आप कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और इसमें भी आपको सेम एक्जैक्टली जो Xiaomi ईयरबड्स के एप्लीकेशन है उसका आपको सपोर्ट मिलने वाला है। कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद आप चेकआउट कर सकते हैं जो बैटरी बची हुई है केस की और बड्स की, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे जो लो लेटेंसी गेमिंग मोड है इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली आप रीनेम कर सकते हैं अपने ईयरफोन्स को, आपको यहाँ पे नाम चेंज करना है तो बस यही आपको सेटिंग्स मिलने वाली है। FNQ मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ईयरफोन्स के बारे में, बस यही आपको बेसिक चीजें मिलने वाली है। एप्लीकेशन पार्ट में ज्यादा यूजफुल नहीं है एप्लीकेशन मेरे हिसाब से। और अगर हम बात करेंगे इसके फीचर्स पार्ट को लेकर, तो यहाँ पर आपको एक्जैक्टली सेम फीचर्स मिलने वाले हैं जो आपको Redmi Buds 4 Active में मिलने वाले हैं, जो कि है ब्लूटूथ वर्जन 5.3, IPX4 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट फीचर, 12mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, SBC कोडेक का सपोर्ट, इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी, गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट, एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन फीचर, गेमिंग मोड मिल जाएगा, Xiaomi ईयरबड्स एप्लीकेशन का सपोर्ट। अप्रॉक्सीमेटली आपको 5-6 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, और टोटल आप 30 आवर्स का प्ले टाइम ले सकते हैं यूजिंग द चार्जिंग केस। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, 10 मिनट आप केस को चार्ज करेंगे लगभग यहाँ पे आपको 1.5 घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा विद दिस ईयरबड्स। सेम आपको एक्जैक्टली सेम फीचर्स मिलने वाले जो कि आपको यहाँ पे Redmi Buds 4 Active True वायरलेस ईयरबड्स से मिलने वाले हैं। फीचर्स में भी कोई यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं किया गया है, और टच कंट्रोल्स भी आपको बिल्कुल बेसिक मिलने वाले हैं। अगर आप किसी भी ईयरबड को डबल टैप करेंगे तो म्यूजिक प्ले होगा, फिर से डबल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो म्यूजिक पॉज होगा, किसी भी ईयरबड को यहाँ पे ट्रिपल टैप करते रहेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रैक पे लेके जाएगा, प्रीवियस ट्रैक करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। इनकमिंग कॉल को एक्सेप्ट करने के लिए डबल टैप कर देंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑनगोइंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए ट्रिपल टैप कर देंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ये आपको बेसिक टच कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, बाकी टच कंट्रोल्स में ज्यादा एनहांसमेंट नहीं दी गई मेरे हिसाब से। और जो गेमिंग एक्सपीरियंस दिया गया है 60 मिलीसेकंड लेटेंसी क्लेम की, वो कितनी जस्टिफाई करती है आप चेक कर लीजिए गेमिंग टेस्ट देख के।
गेमिंग यार इसमें ना लाउडनेस मुझे सेम जो इशू मुझे लगा था रेडमी वाले में, इसमें भी लाउडनेस का इशू मुझे लगा, बहुत ज़्यादा लाउडनेस नहीं दी गई है। एडिकेट आपको लाउडनेस मिलने वाली है, गेमिंग में फिर आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। स्टीरियो सेपरेशन दूर की बात है, अगर लाउडनेस से नहीं दिया आप क्लियरली पता नहीं कर पाएंगे एनिमीज लेफ्ट से आ रही है राइट से आ रही है। लेकिन लेटेंसी आपको यहाँ पर डिसेंट मिलने वाली है, 60 मिलीसेकंड लेटेंसी क्लेम की वो जस्टिफाई करती है, इसका आपको डिसेंट गेमिंग मिल जाएगी, लाउडनेस में बस ये मात खा रहा है। हम बात करेंगे मेन साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की। 12 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स है, SBC कोडेक का सपोर्ट है, AAC कोडेक का सपोर्ट इसमें भी आपको नहीं मिलने वाला है। लाउडनेस आपको यहाँ पे मिलने वाली है एडिकेट। लाउडनेस पार्ट को लेके मेरे हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी, मैंने 2-3 फोन से कनेक्ट करके देखा, सब में मेरे को लाउडनेस का इशू लगा। एडिकेट लाउडनेस दी गई है, फुल वॉल्यूम पे आप सुन सकते हैं, ऐसा कोई डिस्टॉर्शन फील नहीं होगा, आउटपुट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, जितनी भी आपको लाउडनेस मिलने वाली है एडिकेट आप बोल सकते हैं, अच्छी आपको वोकल स्पीक रहेगी, प्रॉपर आपको ट्रेवल्स मिल जाएंगे, उसको लेकर दिक्कत नहीं लगी, आउटपुट आपको अच्छा मिल जाएगा, लेकिन लाउडनेस यहाँ पे साफ साफ मिसिंग लगी मुझे। हो सकता है टाइमली अपडेट आ जाए एप्लीकेशन पार्ट में तो आपको लाउडनेस सही मिल जाए, लेकिन अभी आपको लाउडनेस एडिकेट मिलने वाली है। और बेस इसमें आपको मिलने वाला है डिसेंट, क्योंकि लाउडनेस तो आपको बेस का पता नहीं चलने वाला है, डिसेंट आपको बेस इफेक्ट्स मिल जाएंगे। बात करेंगे कॉलिंग एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर दिया गया है, आप हमारा देख लीजिए, दीक्षा रिव्यू सिस्टम DRS। हेलो। हाँ दीक्षा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस बेबी के साथ थोड़ा सा बर्ड के लिए उसका हाउस बनवा रही हूँ। बर्ड बर्ड हाउस हाउस। बन रहा है बेबी का? हाँ ओके चलो बढ़िया यार। या मैं ना अभी मेरे पास एक क्या है, पोको बर्ड्स करके, पोको पॉड्स करके ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च हुए हैं, तो उनको मैंने परचेज किया हुआ है, हाँ उनका मैं कॉलिंग टेस्ट कर रहा हूँ अपने ऑफिस के बाहर रोड साइड कंडीशन में खड़ा हुआ हूँ, तो मेरी आवाज़ तो मैं कंपेरेटिवली कैसी आ रही है ईयरबड्स के थ्रू बातचीत कर रहा हूँ मैं? आवाज तो मतलब थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ समझ नहीं पड़ रही, क्योंकि मुझे विंड नॉइज काफी ज्यादा आ रही है अच्छा और बैकग्राउंड की जैसे भी हॉर्न की आवाज है और ये सब बहुत मतलब मुझे समझ में अच्छी खासी समझ में आती है, मतलब कैच कर रहा है, और विंड नॉइज तो बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ हवा तेज चल रही है यहाँ पे। बाकी मेरी वोकल्स को लेकर क्लैरिटी कैसी है तुमको? बहुत खास नहीं है, मतलब बिलो एवरेज में बोलूंगी, तो मेरी आवाज पे कितने परसेंटेज फोकस बोल सकती हो? 40%, 60% तो मुझे विंड नॉइज और बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। अरे भाई साहब कुछ तो शर्म करो, 40% फोकस है बस? सही में इतनी बेकार है क्या यार, भयंकर विंड नॉइज आ रही, तुम्हारी आवाज समझ नहीं पड़ी क्या बोल रहे हो ठीक है मुझे। ठीक है ठीक है, आराम से आराम से। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर, ओके हाँ बाय। बाय। कॉलिंग आपने सुन ली, लास्ट में मेरी वाइफ भड़क भी गई थी भाई कि मतलब ईयरबड्स में इतनी खास कॉलिंग नहीं है, बैकग्राउंड एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कैच कर रहा था, मेरे जो वोकल्स उसको समझने पड़ रहे थे, तो उसमें आपको ज्यादा खास कॉलिंग नहीं मिलने वाली एज पर माई एंड माई वाइफ एक्सपीरियंस। अब हम करेंगे रेटिंग साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, गेमिंग एक्सपीरियंस को आउट ऑफ 10। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8 out of 10, मैं बेस क्वालिटी दूंगा 6 out of 10, मैं कॉल क्वालिटी दूंगा 5 out of 10, मैं गेमिंग एक्सपीरियंस दूंगा 8.5 out of 10। मतलब रेटिंग्स मैंने दे दी, क्योंकि मतलब मैं तो सिंपल बताऊँ रेटिंग्स देने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि लाउडनेस ना मेन चीज़ तो लाउडनेस ही है, लाउडनेस आपको एडिकेट मिलने वाली है, अगर लाउडनेस ही नहीं है तो आपको आउटपुट कितना खास मिल जाएगा आप खुद ही बताओ। मैंने आपको सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, एक्जैक्टली आपको जो आउटपुट भी है ऑलमोस्ट सेम मिलने वाला है रेडमी बड्स 4 एक्टिव की तरह, उसमें मेरे को सेम इशूज लगे थे जो इसमें लगे, अब आप पे डिसीजन मैटर करता है, मैंने आपको सब दिखा दिया प्रोज एंड कॉन्स चेसिंग के साथ, इसको परचेस करना चाहिए कि नहीं, पॉसिबल लिंक से डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत है, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज रेटिंग्स कॉलिंग टेस्ट एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद द रिसेंटली लॉन्च पोको पॉड्स ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।